बस अमर भाई इंडस्ट्री मैं तो के 10 में से 10 ही दूंगा इसे भैया दसे, नंबर। हाँ मतलब आप संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट हो कि मैं लेके आया। मैंने इसका डेमो करा पहले तब लेके आया। आपको सीधा दिखा रहे हैं साफ, और इधर पूरा घास है। दो वाला, दो रो वाला भी आता है, तीन वाला तो आपके सामने है ही, चार में भी है, पांच में भी है। इसमें आप रो वाली कोई भी फसल होती है, चाहे वो गन्ना हो चाहे वो कॉटन हो। किसान भाई, अगर आप अपने गन्ने की जुताई करना चाहते हैं और गन्ने में जो खरपतवार है उसको अच्छे से हटाना चाहते हैं, एक अच्छी जुताई अगर आप सुगर कैन में चाहते हैं, तो यह है अमर इंडस्ट्री का एक सुगर कैन रूटावेटर, जिसे फार्मर पिछले काफ़ी समय से जो है अपने मेस्सी 241 ट्रैक्टर पर चला रहे हैं। लोड फ्री ट्रैक्टर चलता है, डीजल खर्चा भी जो है बहुत कम है, और जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे वो आपको सर देंगे। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय कराइएगा, फिर इस मशीन के बारे में बताइएगा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इरशाद है, हापुड़ अमर इंडस्ट्रीज से। हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं एग्रीगेट सुगर कैन रोटावेटर, जो आजकल किसान भाई अपना गन्ने की जुताई वगैरह करते हैं, जो पहले कभी हाथों से नलाई गुड़ाई वगैरह लेबर के द्वारा कराई जाती थी, जिसमें पूरा दिन बर्बाद हो जाता था, लेकिन काम नहीं निकल पाता था और ख़र्चा ज़्यादा होता था। तो उसको देखते हुए अब हमारी कंपनी ने सुगर कैन रोटावेटर निकाला है, किसान भाई की सुविधा को देखते हुए, जो आपका गन्ने की जुताई नलाई गुड़ाई जो इसमें खरपतवार होती है उसको बहुत अच्छे से अपना मिक्स कर देता है, जिसका आप खाद भी लग जाता है और अच्छी पैदावार होती है गन्ने की। सर, थोड़ा इसके बारे में बारीकी से बताइएगा, जैसे कितने इसमें ब्लेड है, कितने फिट का है, कितने एचपी का ट्रैक्टर इसको खींच सकता है, ये बताइएगा। तो सर, अपना जो ये सुगर कैन रोटावेटर है इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो अपने पास है तीन रो वाला भी है और दो रो वाला भी होता है। इसको हम सुगर कैन रोटावेटर तो हम कहते ही हैं, जो गन्ने की आपके नलाई गुड़ाई जुताई वगैरह में काम आता है, ये हम अपना इंट्रोवीडर भी बोलते हैं, यानी कि इंट्रोवीडर जो आपके गन्ने के खूड़ में जुताई करता है। इसमें आप रो वाली कोई भी फसल होती है, चाहे वो गन्ना हो चाहे वो कॉटन हो, और भी बहुत सारी फसलें होती हैं जो रो वाइज बोई जाती हैं, उसमें हम जो अपनी खरपतवार होती है उसका नष्ट करने के लिए या उसको मिक्स करने के लिए हम जुताई कर सकते हैं सुगर कैन रोटावेटर से, इंट्रोवीडर भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें तीन रो वाला जो होता है इसके अंदर रो वाइज 12 ब्लेड होते हैं, यानी कि तीन रो के हिसाब से 36 ब्लेड हो गए इसमें। और मैं इसमें आपको बता दूं कि इसके अंदर जो होता है ये 16 इंची और 14 इंची पे जुताई करता है, लेकिन आपका 24 इंची से 32 इंची तक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और जुताई कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, मतलब आराम से इसको जी, एक ही मशीन लेनी है आपको? जी जी जी, एक ही मशीन से आप आराम से कैसी भी खूड़ हो, वो आप चाहे 14 इंची पे बो रहे हो चाहे आप 32 आप 16 इंची पे कर रहे हो, वो आप सर वो एडजस्ट कर सकते हो। कहाँ से हो पाएगा, किस तरह से, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, ये जो होता है ना, इसका ये धुरा होता है जी, ठीक है, हब लगा हुआ होता है, इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो पूरे फ्रेम को जी जी, और अपनी जुताई बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी चीज़ मैं आपको इसकी खूबी के बारे में बता दूँ सर, इसका जो गियर दिए गए हैं, यानी कि पूरा जो सिस्टम है इसका, पहले क्या होता था चैन ड्राइव सुगर कैन रोटर आते थे, अभी आ गए हैं गियर ड्राइव। चैन ड्राइव में मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये हमने निकाल दिया गियर ड्राइव, जिसमें आप आसानी से बहुत बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री, जिसे कहते हैं मेंटेनेंस फ्री। ठीक है, कितने एचपी का ट्रैक्टर? जी जी जी, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो जैसे कि मैसी 241 पे चल रहा है, और मैसी 241 आज के दौर में सबसे छोटा ट्रैक्टर है रोटावेटर के हिसाब से। यस, और इसका जो जैसा कि आप वेट देख रहे हो, ये बहुत हैवी ड्यूटी बना हुआ है अपना, ये 650 kg, 6.5 क्विंटल के आसपास है इसका वेट, जो आप बहुत ही आराम से मैसी 241 इसको चला रहा है, बिल्कुल लोड फ्री। लोड फ्री, हाँ, इसको थोड़ा हम चला के भी देखेंगे। जी जी, थोड़ा सा बिल्कुल लोड फ्री। हम इसका थोड़ा डेमो देखना चाहेंगे कि किस तरह से सफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद हम जो आप जो फार्मर है, जैसे कि भाई साहब जी है, तो इसको काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसान भाइयों को उनका भी रिव्यू दिखाएंगे हम, कि भाई किसान का रिव्यू आना जरूरी है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, जिससे आपको सही बात पहुँचे। तो पहले हम इसका डेमो देखते हैं, फिर फार्मर से बात करते हैं। ओके सर।
तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी इसको चला कर दिखाया डेमो आपको, अभी आप सर इसकी गहराई दिखाया कितनी इसने गहराई की? जी सर बिल्कुल गहराई की सही बात है, गहराई दिखी देखिए इसकी आप, मैं आपको गहराई दिखा दूँ। ये देखिए लगभग इसके 5 से 7 इंच इसकी गहराई देता है। खरपतवार तो बिल्कुल बिल्कुल खरपतवार जो आप देख रहे हो ना ये सब बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं बिल्कुल। सफाई देखो आप, और सफाई देखिए आप इसकी। तो दोस्तों हमारे साथ है धर्मेंद्र जी जो किसान हैं, और उन्हीं से हम सही बात जानेंगे। सर जो मशीन आपने ली ये मशीन सही बात बताइएगा किसानों को कि भाई सही चल रही है नहीं चल रही है, और कितने एचपी ट्रैक्टर से आप इसको खींच रहे हैं? सभी तो सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार भाई, और मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, सही जानकारी दूंगा। मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी पैसा खर्च करा है दूसरे को, किसी को ना गलत फंसाया जाए इस तरीके की जानकारी दूंगा मैं। कुल मिला के ये जो है गन्ना के खरपतवार के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, ये मैंने देखते हुए लिया है। एक तो लेबर का बड़ा जो है आज के टाइम में जो महंगा है, लेबर को नज़र में रखते हुए मैंने ये लिया, जबकि लेबर इसी में मैं कराता तो इसमें 4 गुनी फालतू लगती, और लेबर अब जो है मतलब 1% लेबर लगेगी, मतलब 1/4 लेबर लगेगी इसमें, जहाँ मेरा 4,000 का खर्चा अब 1,000 रुपये मेरा हो जाएगा जो इसे चलने के बाद। जो बाकी नॉर्मल लोड है इसका, कोई ज़्यादा लोड नहीं है, हैवी ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है, 35 HP से लेके 40 HP बड़ा अच्छा खींच ले इसे, और डीजल भी नॉर्मल है, कोई इसका कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। और बाकी मेंटेनेंस भी जब से मैं चला रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, इनका अमर वालों को ये हापुड़ से, और बढ़िया चल रहा है, मुझे इसमें कोई संतुष्ट है मैं जो इससे। सर कुछ बातें तो आपने अपनी तरफ से बताई, अपनी राय थी आपकी, भाई अच्छा चला, लेकिन अभी आप इससे 1 घंटे में कितने बीघे जोत ले रहे हो? 1 घंटे में 2 से 41 से लगभग 6 से 7 बीघा जोताई कर दे, 7 विषय के बीघे में जो ये सर, मतलब एकड़ बताओ आप, एकड़ मानो तुम इसमें 1.5 एकड़ घंटे में जोताई कर देता है इसे, कर लें जो। ठीक है, और डीजल कितना फूक रहा है आपका? डीजल इसमें ये मान के चलो तुम जो है 1 एकड़ में 3 से 3.5 लीटर डीजल मान के चलो इसका जो खर्चेगा, नॉर्मल लोड है, कोई लोड है एक्स्ट्रा नहीं है जो कि डीजल ज़्यादा खाएगा जो। नंबर की बात करें तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप इस अमर इंडस्ट्री? भाई मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा इसे भैया नंबर। हाँ मतलब आप संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट होके ही मैं लेके आया, मैंने इसका डेमो करा पहले तब लेके आया, मैं ये नहीं है मैं गया नहीं तुरंत लिया है, मैं 2 दिन परेशान हुआ चला के देखा ट्रैक्टर पे तब लेके आया मैं जो इनके यहाँ से। ठीक है, तो किसान भाई ये तो हमारे एक किसान जो एक आम किसान है, और बाकी मैं तो ये कहूँगा भैया अगर जो ट्रैक्टर 40 HP है तो ले लें, अगर किसी के पास गन्ना ठीक फार्मर है गन्ना का तो ले लेना चाहिए। नलाई उड़ाई की समस्या बहुत है, लेबर की समस्या। हाँ हाँ नलाई उड़ाई की समस्या इसमें 1/4 रह जाए, 3 हिस्सा ये अपना काम कर दे नलाई उड़ाई का जो, अब यही लगा लो ये इसमें, अगर इसे नलाई डसाई भी कराएंगे बिल्कुल साफ है यहाँ पे, तो बिल्कुल बीच में साफ है जो। किसान भाई अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ये जो गन्ना की रो है वही बची हुई है, हल्का सा लगाया है साफ पड़ा है, और इधर आप बगल में देखिए ये देखो यहाँ नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे ये घास है पूरा, और इधर आप देखो बिल्कुल दोनों में अंतर आप समझ लो, ये पूरा हम आपको सीधा दिखा रहे हैं साफ, और इधर पूरा घास है। तो सर किसान ने तो आपके रोटर वेटर को 10 में से 10 नंबर दे दिए हैं। सर किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने चलाया और अपना फीडबैक दिया, इसी चीज़ को हम देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अपना जो शुगरकेन रोटावेटर है एग्रीगेट, ये आपका गियर ड्राइव तो है ही, हैवी ड्यूटी है प्लस मेंटेनेंस इसका 0, और लोड फ्री तो चलता ही चलता है ट्रैक्टर पे। ठीक है सर, इसको आप कोई भी किसान भाई आसानी से मंगा सकता है, नंबर हमारे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप हमारा जो फर्म है ऑफिस है हमारा प्लांट विज़िट करिए, देखिए आइए डेमो लीजिए, कुछ अपने सुझाव हैं किसान भाइयों के वो भी हमें दीजिए, हम इसमें और क्या क्या फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ट्रेंच विधि से गन्ना बोया जाता है लगभग 36 इंची से ऊपर का उसके लिए भी हम बना रहे हैं, और भी किसी को अपने हिसाब से कुछ किसान भाई को या किसी को भी अपने हिसाब से कुछ बनवाना है तो वो भी हम इसमें फेरबदल करके बना सकते हैं। इसके लिए आप हापुड़ अमर इंडस्ट्रीज आइए और हमें बताइए जैसा भी है, कॉल कीजिए। और सर प्राइस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो प्राइस अभी फ़िलहाल में मार्केट के हिसाब से जो 1,32,000 का प्राइस चल रहा है, बाकी आप देख रहे हो महंगाई के हिसाब से लोहा ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी कॉल कीजिए आप चीज़ मतलब को हिसाब से जो भी रेट होगा, कम रेट होगा तो कम पे कम होगा, ज़्यादा पे तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा सर, उसके लिए कर लेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए, मैं चाहता हूँ किसान भाई आइए डेमो लीजिए एक बार चीज़ को देखिए। जैसे सर आपका मैं देख रहा हूँ ये 3 में है, तो ये कितने तक बढ़ सकता है? सर इसमें आप कम से कम 2 रो वाला भी आता है, 3 वाला तो आपके सामने है ही, 4 में भी है 5 में भी है, उसके हिसाब से आप इसके ब्लेड बढ़ जाते हैं, तो वो जैसे ट्रैक्टर होगा उसी के हिसाब से काम करेगा। ठीक है सर, बाकी यही इसके आपका मेंटेनेंस की बात, हैवी ड्यूटी है बिल्कुल, हैवी वेट बना हुआ है,
लगभग 650 किलो इसका वेट है। आप देख रहे हो मैसी 241 पे इतने वेट में चल रहा है और लोड फ्री चल रहा है। लोड फ्री चल रहा है तो, और इसका सर्विस और स्पेयर पार्ट मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप और कंपनियों के आप शुगर कैन रूटावेटर देख रहे हैं हरियाणा पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन ये जो अपना शुगर कैन रूटावेटर है इंट्रोवीडर है ये आपका हापुड़ में बनना है यूपी में, पहली कंपनी है जो आपको यूपी में बना के दे रही है। इस कोई भी बंदा इसका सर्विस स्पेयर पार्ट के लिए परेशान नहीं होगा। ठीक है, मेरा सर ये जानना था कि भाई जी मेन है कि बाद में जो सर्विस मिलती है हमारे किसान को, जी सर है ना, तो अगर कुछ दिक्कत समस्या आती है तो आप फिर किस तरह से सर्विस कराओगे उसको? सर उसकी सर्विस के लिए मैं आपको बता दूँ, कॉल कीजिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो बंदा हमारा खेत तक जाता है, सर्विस हम आपकी खेत तक। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। जी जी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान भाई ने आपको बताया है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं। जैसे सर आपने बताया कि भाई दो वाला भी है, पाँच वाला भी है, तो किसी के पास अगर छोटा ट्रैक्टर है 30 हॉर्स पावर है तो दो वाला चलाइए, दो वाला चलाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। मैं तो कहता हूँ एक बार चलाइए, कस्टम अपना किसान भाई आए मिले चला के जरूर देखें, डेमो ले कोई ऐसी भाई, एक बार कंपनी पे आओ देखो अपने हिसाब से चॉइस करो, बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो दोस्तों जी। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारी इंडस्ट्री का नंबर आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्राइस की बात हमने बता दी आपको, ऊपर नीचे समय के हिसाब से होते रहते हैं, सभी मशीनों के प्राइस अलग है, दो के अलग, तीन के अलग, पाँच के अलग, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, सर हमेशा आपके लिए उपलब्ध हर वक्त रहते हैं।